हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज के स्टूडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप की कमाल की बैनर क्रिएट करना। एंड ये ट्यूटोरियल मैंने पिक्सल ऐप में बनाया है, तो बहुत लोगों के लिए ये इजी होगा। एंड अभी तक आपने मेरे लोगो वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाके उसे भी देख लेना, क्योंकि मैंने उसी थीम पर बनाया इसे, ताकि आपकी जो चैनल है ना वो एकदम मैच करे एंड बहुत ओपी लगे देखने में। तो फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन इस वीडियो में गाइज मैं यहाँ पे लाइक एम रख रहा हूँ 800 लाइक्स की। अगर आप वो कंप्लीट करा देते हो तो बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, इसे सरप्राइज ही समझ के रखो। एंड ठीक है, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक और चीज़ गाइज, आज के अपने फीचर चैनल को चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइज आज की जो हमारी फीचर चैनल है वो ब्लैक RCYT है, तो आप उनके चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को अपने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे 3 डॉट पे जाना, इसकी विथ को रखना 2560 एंड इसकी हाइट को रखना 1440। ठीक है, ये आप नोट कर लो। यहाँ पे इसको इतना ही आप बैनर के फ्रेम में रखना, ज़्यादा इधर उधर नहीं कर देना, नहीं तो सेट नहीं होगी बैनर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट थी उसे आपको डिलीट कर देना है। प्लस वाले आइकन पे जाना, मेरे पैक में आपको ये वाली बैनर की फ्रेम दिख रही होगी, तो ये जाके आप डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद इसकी जो विथ एंड हाइट है ना उसे 100% रख देना एंड इसे आपको लॉक कर देना है। फिर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देख लो, सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना वहाँ पे जाएंगे एंड जो बैकग्राउंड जो ग्रीनिश कलर की दिख रही है ना, इसे हम थोड़ा सा ब्लू करेंगे, ब्लैक एंड ब्लू में थोड़ा सा रहेगा मिक्सचर। तो देख लो, आपको कलर पे जाके ये वाली कलर आपको यहाँ पे ले लेनी है। ठीक है, देख लो मैं दिखा दे रहा हूँ, इतना आपको यहाँ पे ले लेना है। एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम चीज़ों को यहाँ पे धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे जाएंगे एंड हमारा जो अभी लोगो वाली ट्यूटोरियल आपने देख के बनाई होगी ना, उसकी लोगो की PNG आपको ले लेनी है। एंड वो PNG लेने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, एंड सभी चीज़ों को आप क्या करना कि ये जो फ्रेम है ना उस फ्रेम के नीचे रखना। एंड बीच बीच में खांसी थोड़ी सी आ रही थी यार, बहुत मैंने रीटेक लिया लेकिन सही नहीं हो पा रहा था, तो इसे थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। एंड उसके बाद क्या करेंगे कि देख लो, ये वाली जो थोड़ी सी जो कलर वाली शेडोज़ है ना, ये शेडो को भी आपको ऐड कर लेनी है। सभी चीज़ों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप उधर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड देख लो, अगर कलर वाला चेंज करनी हो तो आप यू पे जाके इसकी कलर को चेंज कर सकते हो सभी चीज़ों की। तो ये टेंशन नहीं लेना कि बस ब्लू कलर में ही बता रहा हो तो ब्लू कलर ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको जिस कलर में बनाना है उस वाले कलर में आप बना सकते हो। एंड फिर से प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे एंड आपको ये वाली एक विंग कर बोल सकते हो उसे, जो मैं आपको पैक में दे दूंगा, तो इसकी कलर पर जाना है एंड इसे ब्लू कर देना, स्काई ब्लू कलर रख देना, जो आपकी कलर लोगों की होगी उसी कलर की इसे भी रख देना। ठीक है, एंड इसे हम नीचे कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। एंड लोगों के पीछे देख रहे हो कितना ओपी लग रहा है देखने में, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर लेना। एंड मैं इसे अच्छे से सेट कर लेता हूँ, तो इतना अच्छे से आप भी कर लेना, आराम से कर लोगे। एंड यहाँ पे ये चीज़ हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है। सभी चीज़ों को आपको लॉक कर देना है, ध्यान देना, नहीं तो इधर उधर चीज़ें यहाँ पर हिल जाती है, तो देख लेना, सही कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे एंड आपको यहाँ पे जो भी गेमिंग चैनल का आपका नेम होगा वो चीज़ आपको इधर ऐड करना है। तो मैंने ऐसे एग्जांपल यहाँ पे टोटल गेमिंग रखा है, तो ये चीज़ आप लोगों को इधर रख लेना है। एंड इसकी जो भी फॉन्ट वगैरह मैं यूज़ करूँगा ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके उस वाले फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना एंड आप भी उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से प्लेस कर देना है, देख लो। एंड कलर वाले ऑप्शन पर जाना, यहाँ पर देख लो कलर वाले ऑप्शन किधर है, एंड उस वाले ऑप्शन पे जाना एंड नीचे तो देख रहे हो ना यहाँ पे ब्लू कलर वाला, इसे आपको टोटल को सेलेक्ट करनी है। एंड इसमें आपको ब्लू कलर की स्काई ब्लू जो कलर आपने लोगों की दी थी वो वाली कलर आपको देनी है। एंड फिर शेडो वाले में आना एंड यहाँ पे थोड़ा सा शेडो ब्लैक कलर की रख देना, इसकी ब्लर रेडियस आपको 10 to 15 के अराउंड रखनी है। देख लो, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा आपका टेक्स्ट एंड इसे भी आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्लस वाले आइकन पे जाएंगे एंड जो हमारे सोशल्स बटन्स होते थे ना, हम वो चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने जनरली यहाँ पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के क्रिएट किया है, तो वो चीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके उसे भी डाउनलोड कर लेना। एंड सिंपली आपको इस तरीके से अपने बैनर को ऊपर प्लेस करना है, देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्लेस करने के बाद आपको दोनों को यहाँ पर लॉक कर देना है। इसमें ये ध्यान देना आप यहाँ पर पिक्सल ऐप में गाइस कि आपको चीज़ें लॉक करनी है, नहीं तो यहाँ पे इधर उधर हिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ होने के बाद अब क्या करेंगे कि जूम करके यहाँ पे थोड़ा सा 100% जूम कर लेंगे ताकि अच्छे से दिखे सारी चीज़ें।
एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू टेक्स्ट पे जाएंगे एंड जो भी आपका यूज़र नेम होगा ना, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का एंड फेसबुक का, जो भी ऐड करना चाहते हो तो वो चीज़ आप इधर ऐड कर लेना। तो यहाँ पे आपको पता ही है, नहीं पता है तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सचटेक मेरी यूज़र आईडी है एंड वो चीज़ मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम में यहाँ पे देख लो ऐड कर दूंगा एंड इसे सेम चीज़ कॉपी करके यहाँ पे मैं यूट्यूब वाले में भी इसे रख दूंगा। तो हमारा ये बैनर का वर्क यहाँ पे बहुत कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी चीज़ें और हमें यहाँ पे ऐड करनी है तो वो भी हम कर लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्लस वाले आइकन पे जाएंगे एंड यहाँ पे कुछ मटेरियल्स है, पार्टिकल्स वगैरह है, वो चीज़ मैं इधर ऐड करूँगा। तो सबसे मैंने ये सबसे पहले एक लेंस मैं यहाँ पे ऐड किया एंड इसकी कलर आपको यहाँ पे इरेज कलर में जाके चूज़ करनी है। टॉलरेंस को यहाँ पे 40 के आसपास रखना एंड स्मूथ ईज है ना वो 5% रखना, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एल के ऊपर कुछ स्टेप से यहाँ पे रख देनी है, फिर ओके कर देना। एंड ये जो लेंस है ना आपको एकदम नीचे रख देनी है, एकदम नीचे रखना। एंड याद रहेगा इस ये जो फ्रेम है ना, इस फ्रेम को आप सबसे ऊपर रखना, यहाँ पे मैं नहीं रखा हूँ लेकिन आप लोग रख लेना। एंड देख लो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाली आपको एक डिज़ाइन देखने को मिलेगा, वो चीज़ आप इधर ऐड कर लेना एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से प्लेस कर देना है। देखो ये अगर PSCC में बनाना रहता ना मुझे, तो मुझे जनरली 3 से 4 मिनट लगता है इसे क्रिएट करने में, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत मेरे को लगी पिक्सल लैब में, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं यूज़ कर रहा था एंड चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि कौन कौन चीज़ें कहाँ पर है। प्रैक्टिस करने में भी बहुत टाइम लगा, तो आप लोग के लिए इतना कर सकता हूँ। तो लाइक वाले बटन को ज़रूर दबा देना यार, ताकि मोटिवेशन अंदर से मिले एंड और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आऊँ पिक्सल लैब में। तो अभी देखो मैं ये वाली डिज़ाइन को फिर से ऐड किया हूँ इधर एंड इसको क्या करना है कि इसे भी इरेज कलर करके इसकी टॉलरेंस को थोड़ी 50-55 कर लेना एंड स्मूथनेस को छोड़ देना, ठीक है। एंड इसे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे साइड में ऐड करनी है एंड यहाँ पे हाँ, फिर इसे कॉपी करना एंड सेम चीज़ आपको थोड़ा सा रोटेट करके बैनर के पीछे यहाँ पे, पहले यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लूँ मैं, इस तरीके से बैनर के पीछे फिर से आपको ऐड कर देनी है। तो गाइज़ यहाँ पे आपका बैनर जो है वो क्रिएट हो चुका है, अब आप इसे यूट्यूब बैनर पे ऐड कर सकते हो एंड देखना काफ़ी ओपी लगेगा देखने में एंड लिटरली बहुत ही ज़्यादा औसम है ये बैनर। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये बैनर कैसी लगी एंड आपने क्रिएट किया कि नहीं क्रिएट किया, अगर क्रिएट किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।